सीआईईटी एनसीईआरटी प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम कविता मंजरी। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण। मित्रों, प्रार्थना में बहुत बल होता है। हम सभी प्रार्थना करते हैं, आप भी कभी ना कभी प्रार्थना करते होंगे, अदृश्य शक्ति से अपने मन की बात कहते होंगे। प्रार्थना में आमतौर पर व्यक्ति ईश्वर से अपने दुखों के निवारण की याचना करता है, लेकिन मनुष्य बड़ा वो है जो सिर्फ ईश्वर पर या किसी अदृश्य शक्ति पर निर्भर नहीं रहता, अपने बल पर तमाम उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अदृश्य शक्ति यानी ईश्वर को संबोधित करते हुए अनेक कविताएं लिखी हैं। रविंद्रनाथ ने अपनी बहुत सारी कविताओं में ईश्वर से बात करते हुए मानव मन की उथल पुथल को अभिव्यक्त किया है, मगर कहीं भी उनकी कविताओं में दीनता का भाव नहीं है, निराशा नहीं है, कुछ भी अपनी क्षमता से अधिक पाने की चाह नहीं है। वे अपने को मनुष्य रूप में सबल, ऊर्जावान और समस्त मानवीय गुणों से परिपूर्ण देखना चाहते हैं। उनकी इन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्त करती है आत्मत्राण कविता। तो आइए सुनते हैं ये कविता। विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानू क्षय, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय, नतशिक होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अनुवादक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस कविता में रविंद्रनाथ प्रार्थना करते हुए भी प्रार्थना के शिल्प को तोड़ते हैं। वे अपने ऊपर आई विपत्ति को दूर करने की याचना नहीं करते। वे ईश्वर से कभी नहीं कहते कि वो उनके दुखों को दूर करे, उन्हें नुकसान से सदा बचाए रखे, उन्हें हमेशा लाभ ही लाभ हो। वे तो चाहते हैं कि वे निर्भय बने, बलशाली बने, दुखों से पार पाने का सामर्थ्य उनमें आए। तो आप भी ऐसा ही सोचते हैं ना? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण। वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता और नीरज शर्मा। आलेख सूर्यनाथ सिंह और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह, डॉक्टर संजय सुमन, डॉक्टर प्रमोद दुबे, प्रोफेसर चंद्रा सदायत, श्री नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार।
मार्गदर्शन अजीत होरो, ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।